ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे, वो अगर पेड़ को छू देते हैं तो उस पर बंदर कभी नहीं चढ़ता है, वो है बिरहोर जनजाति। मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निवास करने वाली बिरहोर जनजाति विशेष जनजातियों में शामिल है। बिरहोर जनजाति के संबंध में यह मान्यता है कि जिस पेड़ को छू देते हैं उस पर कभी बंदर नहीं चढ़ता है। एक किताब है ए के सिन्हा की, उन्होंने छत्तीसगढ़ की खादिम जनजातियों में बिरहोर जनजाति के विषय में विस्तार से लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बिरहोर जनजाति खाने के लिए बंदर का शिकार करती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे भी एक कहानी है जो रामायण काल से संबंधित है। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार कर जीवन यापन करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से बंदर का शिकार करते हैं। ये लोग सामूहिक रूप से शिकार करते हैं। शिकार के लिए कोई निश्चित शुभ मुहूर्त या दिन नहीं होता है। शिकार पर जाने से पहले बिरहोर लोग धार्मिक क्रिया करते हैं जिसे पता चल सके कि शिकार के लिए जानवर मिलेगा या नहीं। इसके लिए तीन आदमी एक जगह बैठते हैं और एक चावल लेकर थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में देते हैं। फिर सब जोहार जोहार करके मंत्र पढ़ते हैं और भूत को बुलाते हैं। अब भूत बताता है कि शिकार मिलेगा या नहीं। मंत्र पढ़कर भूत बुलाने के बाद जो आदमी चावल देता है, जो चौथा आदमी है, उसके शरीर में भूत प्रकट होता है। जब वो कांपने लगता है तो मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति पर भूत प्रकट हो गया है। उसे एक बोतल शराब देते हैं और पूछते हैं कि शिकार मिलेगा या नहीं। जब भूत बता देता है कि शिकार मिलेगा तो थोड़ी सी शराब जमीन पर गिराते हैं। इसके बाद बच्चे शराब को सभी पीते हैं और शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। बड़ा सुनने में अजीब सा ये प्रथा लगता है आज के टाइम पे, पर ये लोग आज भी ये फॉर्मेलिटीज करते हैं। शिकार के लिए कम से कम 6 लोग जाते हैं। सबके पास धनुषवान, नाटी, टांगी, हसिया और एक आदमी के पास बंदर पकड़ने का जाल होता है। जंगल में जाने के बाद सभी लोग एक जगह पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद 2 लोग बंदर ढूंढने निकल जाते हैं और बंदर मिलने पर सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज सुनकर उसके अन्य साथी भी सीटी बजाते हैं। इसके बाद सभी चुपके चुपके बंदर की दिशा में चलते हैं और बंदर को चारों ओर से घेर लेते हैं। 2 लोग पेड़ के बीच 15 फुट लंबा बंदर जाल बना देते हैं और उस ओर को छोड़कर बाकी ओर से घेर लेते हैं। इस दौरान कुछ लोग पेड़ की डाल लेकर बैठे रहते हैं ताकि बंदर को पेड़ होने का भ्रम हो। वे लोग बंदर को घेर कर इधर उधर दौड़ाते हैं। कहीं भागने की जगह न मिलने पर बंदर जाल की ओर भागता है और फंस जाता है। जाल में फंसते ही बंदर को मार दिया जाता है। कभी कभी छोटे बंदर को जिंदा रखा जाता है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है। अभी बंदर खाने के पीछे कहानी है। एक कोलतीन परिवार में 2 बेटियां थी। किसी से अवैध संबंध स्थापित होने पर बड़ी लड़की गर्भवती हो गई। बच्चे के जन्म लेने पर उसके माँ बाप शर्म महसूस करने लगे। इस कारण रात को ही उसके माँ बाप झोपड़ी में गिराकर भाग गए ताकि बच्चा और उसकी माँ दोनों दबकर मर जाएं। सुबह गांव वाले बच्चे और उसकी माँ को झोपड़ी से बाहर निकाला। बच्चा वहीं पला बड़ा। बच्चे की छठी और नामकरण होने से पहले उसकी माँ मर गई। बच्चा गांव में ही रहकर बढ़ने लगा। जब भी बच्चा पवित्र स्थल या कोई समारोह में जाता था तो गांव वाले उसे मना करते थे। बच्चा जब बड़ा हुआ तो लोग उसे समाज में इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। उसने गांव छोड़कर जंगल में शरण ली और बीरू पर्वत में रहने लगा। बीरू पर्वत की गुफा में रहने के कारण उसका नाम बिरहोर पड़ा। जंगल में रहकर वो कंदमूल और फल फूल खाने लगा। एक दिन वो कोरवा लड़की को उठाकर ले आया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसने रस्सी बनाने का काम शुरू किया, गाय बांधने की रस्सी जिसको गेरवा कहते हैं वहां पे बनाकर उसकी पत्नी गांव में बेचने जाती थी। 3-4 साल से गांव वाले महिला को अकेले देख रहे थे। लोगों ने महिला से एक दिन पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, अगले दिन उसे भी ले आना। दूसरे दिन युवक अपनी इज्जत के डर से गांव नहीं गया।
उसकी पत्नी ने भी वहां जाना बंद कर दिया। इसके बाद वे लोग गिलहरी और चूहा पकड़कर खाने लगे। एक अभी हम रामायण काल में आ रहे हैं। देगन गुरु नाम के एक व्यक्ति को बाजा बजाने के लिए बंदर की खाल चाहिए थी। इस बाजे से वे इष्ट देव को जागृत करना चाहते थे। देगन गुरु लंका के राजा रावण के पास गए और कहा कि मुझे बंदर की खाल चाहिए। रावण ने कहा कि मेरे पास तो खाल नहीं है, मैं कहां से दूंगा। बीरू पर्वत पर बिरहोर रहता है, उसी के पास जाओ, वही देगा। बंदर की खाल पाने के लिए देगन गुरु बिरहोर के पास आए। देगन गुरु जब बिरहोर के घर में घुसने लगे तो बिरहोर डरकर भागने लगा। देगन गुरु ने समझाया कि उन्हें बाजा बजाने के लिए बंदर का खाल चाहिए। बिरहोर बोला कि मैं खाल कैसे दूंगा। देगन गुरु ने बताया कि मोहलाइन के रेसे से जाल बना लेना और जब बंदर पानी पीने आएगा तो उसे फंसा लेना। बंदर पानी पीने आया और जाल में फंस गया। इसके बाद बिरहोर देगन गुरु को बुला लाया। देगन गुरु ने बंदर की खाल निकाल ली। इसके बाद बिरहोर बोला कि बाकी शरीर का क्या करेंगे। देगन गुरु ने कहा कि बंदर की शरीर को खा लेना। इसी दिन से लोगों ने बंदर खाना शुरू कर दिया और ये लोग जिस पेड़ को छू लेते हैं उस पर बंदर कभी नहीं चढ़ता है, ये ऐसी मान्यता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।